वो देखो वो कैसरोल रखा हुआ है वहां पर, उसमें रखना एकदम मस्त गर्मा गर्म रहेंगे। तुम रोटी बनाओ ना यार, बनाओ बनाओ। नहीं आंटी, इसको नहीं बनाना आता, मैंने कहा था नहीं। यू नो भाई, मैं बना ही देती हूँ। बना ही दो, बना ही दो। आज तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। सुखी गोल 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 जी, ये ले। क्या हो, नहीं बने? रुक जाइए। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ, मैं बुआ को बताऊंगा तुमने मस्त रोटी बनाई गोल वाली। देख तो कितनी अच्छी रोटी बना रही मेरी बहू। हेलो, गोल रोटी। क्या बात है कृतिका, तुम तो सीख गई है। आंटी, अरे आंटी आंटी आंटी, आप कमाल हो आंटी, आपने सिखा दिया। वेल डन वेल डन, वेल डन वेल डन। चलो गर्मा गर्म परांठे खाओ। कितना डर गए आप लोग, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स मेरा फोन आप लोगों के पास कैसे होगा, पर कहीं तो होगा। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मिल जाएगा। प्रीता जी आपका फोन दो। I'm sorry, लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है, शायद मैंने बाहर कहीं टेबल वगैरह पे छोड़ दिया। हाँ बाहर। शशि तुम दे दो तुम्हारा फोन। अब मेरा फोन तो डेड है, ये देखो डेड फोन। हाँ इसका फोन आधा दिन भी नहीं चलता, बहुत यूज करती है। कोई बात नहीं, मैं मेरे लैंडलाइन से करता हूँ, एक सेकेंड। कहीं तो से कहीं से आवाज आ। ओह मैंने तो यहां देखा था, यहां फोन था नहीं। ऐसा ही होता है कई बार, सच आंखों के सामने होता है लेकिन जब तक सबूत ना मिले उस पर यकीन नहीं होता। अब देखो ना, तुम्हारा फोन जब तक बजा नहीं, तुमने आंखों से देख नहीं लिया, तुम्हें यकीन नहीं था कि वहां होगा। वैसे प्रीता जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब तक सबूत ना हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे आप दोनों मेरे रूम में, ये क्या चक्कर है? चक्कर चक्कर ही तो काट रहे थे घर का। मैंने तुम्हें बताया ना, हम तुम्हारे लिए शादी का शगुन लेकर आए हैं। कृतिका आंटी के साथ वो नाश्ता बनाने में बिजी है किचन में, और समीर अपनी बातों से हमें बोर किए जा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये घर देख ले। तो बस घूमते घूमते हम इस बेडरूम में आ गए, और ये बेडरूम इतना अच्छा है दी। बहुत बहुत सुंदर है, अब तुमने कितना अच्छा सेटअप किया है ना। बस ये ब्यूटीफुल रूम देख के हम यही ठहर गए, और इतने में तुम आ गए। थैंक गॉड मैं आ गया। एनीवेज चलिए ना बाहर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ। हाँ चल चल चल। ओके आई एम श्योर ये प्रीता और सृष्टि यहाँ शगुन देने तो आए नहीं है, ये किसी और ही काम के लिए आए। आप लोग बैठिए ना, मैं देख के आता हूँ हमने नाश्ता बना दिया क्या। ओके ये लो सारे परांठे तैयार हो गए। क्या लक्ष्य, अब आ जाओ सारे जाने, गर्मा गर्म खा लो। लो जी मैं भी ले आया दूधी एलोवेरा और करेला, भाई इसका जूस बना दो। अरे वाह, दूधी करेला और एलोवेरा, ये किसके लिए बनाना है? अरे समीर के लिए, घर में सब्जियां और एलोवेरा नहीं थे तो तेरे डैड मार्केट से सब्जियां ले आए। आप लोग गर्मा गर्म नाश्ता करो, मैं जूस बना के लेके आती हूँ। अरे आंटी कहाँ तकलीफ करने जा रहे हो, ये पराठे हैं बिस्किट है, मैं खा लूंगा, कहाँ मेहनत करूंगी। अरे समीर कैसी बात कर रहे हो, अरे तुम्हें जूस पीना था ना, इसलिए तो मैं स्पेशल बाजार से सब्जियां लेकर आया हूँ। और एक बात और, ये जो जूस है ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? अरे भाई तुम जूस पियो। क्यों? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, इसी ने तो खास बनवाने के लिए बोला था, तो ऑब्वियसली ये तो हेल्थ कॉन्शियस होगा ही ना।
5 मिनट में अपना नाके लेके आती हूँ। ओके भाई जल्दी जाओ। अरे भाई खड़े क्यों, बैठो ना। जी जी बैठते हैं। चलिए थैंक यू। अरे भाई गर्मा गर्म चाय और पराठा, वाह। भाई लो भाई लो। अरे भाई लाओ भाई लाओ। समीर के चेहरे से साफ पता चल रहा है इसे जूस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जूस के लिए झूठ बोला है इसने। समीर ने डैड को मार्केट भेज दिया। सृष्टि ने मॉम को पराठे बनाने के लिए किचन में भेज दिया। उनके साथ साथ कृतिका को भी भेज दिया। प्रीता और सृष्टि मेरे कमरे में गई, यहाँ समीर हॉल में था। दैट मीन्स इसने मॉम और कृतिका पे नजर रखी थी कि वो किचन से कब आ रहेंगी। तो ये इन बहनों को अलर्ट करते, मतलब साफ है प्रीता और सृष्टि मेरे कमरे में कुछ तो ढूंढने गई थी, लेकिन क्या। हाय कृतिका, यू लुकिंग गॉर्जियस। कितना बड़ा झूठा है। कृतिका गॉर्जियस तो है, पर इसने तो बस बोलने के लिए बोल दिया। किसी को नहीं पता इसके मासूम चेहरे के पीछे इसका घटिया वाला चेहरा छिपा है। समीर अक्षय को ऐसे देख रहा है जैसे उसकी जासूसी कर रहा हूं। क्योंकि कर रहा है। समीर प्रीता और सृष्टि का जासूस है, हर वक्त उनके लिए जासूसी करता रहता है। तुम हंस क्यों रही हो? वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सृष्टि से प्यार करता है। ऐसे यहाँ हर किसी को किसी ना किसी से प्यार है, हर किसी के लिए कोई ना कोई है। बस मेरी किस्मत खराब है, जिससे मुझे प्यार है प्रीता के चुंगल में फंसा हुआ है। मायरा कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। करण प्रीता के चंगुल में नहीं फंसा है, करण प्रीता से प्यार करता है, और ये बात तुम भी जानती हो। हर बार ऐसी बात करना जरूरी है? महाराज जो सच है मैं वो ही बोल रही हूँ, और तुम्हें भी बात पता है तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। चाहे तो मुझे कितना भी गलत समझो मायरा, मैं हमेशा सच बोलूंगी। अक्षय आज तुम्हारा राज फाश होके रहेगा, हर पल मेरी नजर आज तुम पर ही है। और लंबर्ट क्या बातें चल रही हैं? इट्स पर्सनल, क्यों बताऊं? पर्सनल बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? टुनाइट इज योर नाइट। एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे डांस फ्लोर भी है, बार भी है। जस्ट गो एंड हैव फन। तुम बार पे जाके ड्रिंक कर सकते हो, बट Not without you. Surely. अच्छा? अपनी होने वाली मॉम इन लॉ को टीज कर रहे हो? मॉम नहीं, बेटी को ले जा। Go. Okay. चलें? Yes. वो एनी हेल्प? नहीं, थैंक यू। जी अब क्या करेंगे? जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखना। ये अक्षय हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा चालाक है, देख लिया ना तुमने उसने क्या किया। I know. बस अब ये समझ ले, जब तक हमारे हाथ को ऐसा सबूत नहीं लग जाता जो हमें पता है कि हम सबको दिखाएंगे तो सब यकीन कर लेंगे, तब तक हमें मुंह बंद करके रखना है, किसी से कुछ नहीं कहना, एकदम चुप रहना। लेकिन हमेशा हमारे हाथों में सॉलिड सबूत ही लगता है दी। वो फोन वाला सबूत भी सॉलिड ही था, लेकिन हमें क्या पता था कि इतना शातिर इतना चालाक निकलेगा। अब देखो जैसे आपने उसे रंगे हाथों पकड़ा था ना उस लड़की के साथ रूम में रोमांस करते हुए, और फिर जब आपने पूरी फैमिली को उसके सामने लेकर आया तब उसने पूरी बाजी ही पलट दी। तो मुझे तो लगता है ये फैमिली ना आपसे ज्यादा उस पर विश्वास करती है। बात विश्वास की नहीं है, बात इस घर के होने वाले दामाद की है। करीना लूथरा की बेटी कृतिका लूथरा की शादी की है, करण लूथरा की बहन की शादी की है। बहुत बड़ा मैटर है सृष्टि, कहीं पे भी गलती नहीं कर सकता है।
हमारी गलत फहमी या हमारी गलतियों की वजह से कोई हर्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम पड़ जाए ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता। लेकिन हमें पता चल चुका है कि अक्षय अच्छा इंसान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब अक्षय को भी पता चल चुका है कि हम ये बात जानते हैं। पहले वो कैफ्री था, उसे नहीं पता था कि हम दोनों उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो केयरलेसली जो उसे करना था वो कर रहा था। लेकिन अब उसे पता चल गया कि हम कुछ भी करके उसका सच सबके सामने लाना चाहते हैं, तो अब वो बहुत केयरफुल रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलती भी करेगा, तो हमें बहुत केयरफुल रहने। क्या हुआ मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गई? मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं जीजू, मेरे हैंडसम से जीजू हम आपके खिलाफ क्यों कुछ बात करेंगे, हम तो आप ही की बात कर रहे थे। क्या हुआ, आप ऐसे घूर, आप भी घूर रहे हो मुझे? मैंने क्या बोल दिया? मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। नहीं वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं तुझसे क्या कहूँ। I mean, तुझे मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ लेकिन तेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं है। काम कर, इसे अपनी जगह खड़ी कर दे, क्या पता वहां से मैं इसे हैंडसम दिखूं। क्या जीजू, ऐसी बात ही नहीं है। इनफैक्ट दी आप ही के बारे में बात कर रही थी कि आप मतलब वो कह रही थी कि मेरा पति कितना हैंडसम है, कितना डैशिंग है, कितना स्मार्ट है, यू नो। रियली? या तुमने फाइनली कन्फेस कर ही लिया? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी। वो नहीं तो क्या क्या कह रहे थे आप? हाँ बता दो फिर क्या कह रहे थे। ये नहीं कह रहे थे तो हाँ से टल्टल। ओ शर्मा रही हो? हाँ शर्मा रही हो ये कहने में कि हम सोचा मैं आई एम सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग। मान लो मिसेस लोथरा, आई एम गुड लुकिंग, आई एम हैंडसम। वो क्या ना सृष्टि, एक्चुअली तेरी बहन ना मेरी बहुत बड़ी वाली फैन है, डाई हार्ट फैन, बट नाउ शी इज अ वेस्टेड फैन। एक्चुअली मानती नहीं है, जब से शादी हुई है भाव नहीं देती मुझे बिल्कुल भी, मानती नहीं कि उसको इतना हैंडसम गुड लुकिंग लड़का मिला है। एनीवेज मैं जा रहा हूँ, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। तू भी आ जा। ओके। सॉरी। मेघा, मेघा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? हम तो तुम्हें बचाने आए थे ना। तुम ये लड़का अक्षय, ये तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा था ना, वो कॉरिडोर में तुम पर जबरदस्ती कर रहा था, हमने आके तुम्हें बचाया है और तुम मेरी दीपू इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो मेघा? अगर और झूठ बोला ना तो यही मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? देखा आप सबने, ये आप सबके होते हुए यहाँ धमकी दे रही है मुझे। ये उस वक्त दीपिता के साथ थी और इन दोनों बहनों ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा कि इस पूरी पार्टी में अक्षय की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। तुम्हें पता है मेघा तुम्हें क्या करना चाहिए था? ये इंसान जो तुम्हारे साथ कर रहा था ना, उसके बदले में तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। लेकिन तुम झूठ बोल रही हो, उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। यार वो लड़का जो बार काउंटर पे मुझे छेड़ रहा था ना, वो इतना आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। क्या करूं? अरे, क्या सुनो। ओह गॉड, ये तो यहीं आ रहा है। शिट। अरे सुनो तो सही। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। अरे कुछ भी, तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जस्ट शट अप। ओके, जो तुम सोच रहे हो ना कि किसी भी लड़की को कितने भी पैसे दे दो और वो कुछ भी कर लेगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जो किसी के भी साथ कुछ भी करे। देखो सुनो मेरी बात। ओके ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुम्हें यही लग रहा है ना मैं नशे में हूँ, मैंने ड्रिंक कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। मैंने ड्रिंक नहीं की है, बस थोड़ी सी स्पिल की है अपने कपड़ों पे ताकि लोगों को लगे कि मैंने ड्रिंक कर रखी है। पर ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे किसी के झूठ को सबके सामने लेके आना है और ये सब करने में मुझे एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा। अच्छा, प्लीज इस ड्रामे में मेरा साथ दो। ये सब देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। ओह प्लीज। ओके, पर झूठ क्या बोलना होगा मुझे? देखो एक लड़की है प्रीता, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें बस उन सबके सामने ये झूठ बोलना है कि प्रीता ने तुम्हें पैसे दिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। ओ, पर ये सब वो क्यों करना चाहेगी? तुम कितने सवाल पूछते हो यार। सुनो,
मेरी शादी हो रही है कृतिका से और प्रीता चाहती है कि मेरी शादी कृतिका से तोड़ के वो अपनी बहन सृष्टि से करा दे क्योंकि उसकी बहन सृष्टि का दिल आया हुआ है मुझ पे। ओह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल देती हूँ, पर मेरे झूठ पर कौन विश्वास करेगा? ऐसे ही डायरेक्ट जाके झूठ बोल दूँ सबको? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो दोनों यहीं हैं। इनफैक्ट हमारा पीछा करते करते थोड़ी देर में यहाँ पे आ टपकेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से उनके लिए जाल बिछा दूँ अपने ऊपर और उनको जैसे ही सब दिखेगा तो ऑब्वियसली उन्हें लगेगा कि उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और वो तुम्हें सबके सामने ले जाएगी सबूत बना के और कहेंगी तुमसे कि वहां बोले कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, राइट? और वहां जाके तुम्हें जो मैंने बताया वो बोल देना है। ठीक है फाइन। अगर आज मैंने ये चीज कर ली ना तो मैं इन दोनों बहनों से लाइफ टाइम के लिए पीछा छुड़वा लूंगा। ओके ठीक है फाइन। सुनो वो यहीं आ रही है, तुम्हें पता है ना क्या करना है, जल्दी से नाटक शुरू करो। ओके ये लड़की झूठ बोल रही, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मैं जो कह रही हूँ सच है, ये लड़का वाकई इसके साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे नहीं पता कि अब क्यों झूठ बोल रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि इसको पैसे अक्षय ने दिए, मैंने नहीं दिए, मैं इसे पैसे क्यों दूंगी? अपने खिलाफ बोलने के लिए झूठ बोल रही है क्योंकि इसने इसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए। वाह, जब थोड़ी देर पहले ये मुझे गलत बोल रही थी, कैरेक्टरलेस बोल रही थी, तभी सच कह रही थी, तब इसे किसी ने पैसे नहीं दिए थे, अब जब ये फाइनली सच बोल रही है कि आपने इसे पैसे दिए थे सब कुछ बोलने के लिए, तो ये झूठी हो गई। हाँ झूठ बोल रही है क्योंकि तुमने इसे झूठ बोलने के लिए कहा है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैं क्यों पैसे दूंगी उसे, क्यों दूंगी मैं उसे पैसे? ताकि तुम कृतिका से मेरा रिश्ता तोड़वा के अपनी बहन के साथ करवा सको। में तो गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरीके से बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था, मुझे पता है आफ्टर ऑल एक लड़की की इज्जत की बात है, पर आज बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मैं और सहन नहीं कर सकता, मजबूर होके मुझे कैसे भी ये सच बताना पड़ रहा है। मुझे लगा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि एक लड़की इस तरीके से किसी से फ्लर्ट करती है, मेरे कितना क्लोज आ गई थी वो, अरे कोइंसिडेंटली एक दिन रोड पे मिल गया मैं उसे, आई वाज शॉक, उसने मुझे वहां सबके सामने हग कर लिया। चलो हग एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर जिस तरीके से किया था मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, कैसे तैसे उससे हाथ छुड़ा के मैं पीछे हटा तो उसने मेरे से मेरा ईमेल आईडी मांग लिया, मेरे ईमेल आईडी देते ही उसने उसी वक्त हाय भेज दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अभी तक उसके हाय का रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं जानता था कि इस लड़की की मेरे लिए नियत कैसी है। अरे क्या बकवास किया दी बाबा, इसने मुझे खुद बोला कि मेरा मेल आईडी ले और मुझे हाय भेज क्योंकि इसको कृतिका और इसके शादी का इनविटेशन भेजना था, इसलिए मैंने किया। और हाँ मैंने हक किया, मैंने इसको हक किया था, लेकिन इट वॉज अ वेरी फ्रेंडली हक, जैसे दोस्तों में होता है, आप समझ रहे हो ना, मैं कोई चिपक नहीं रहती इसके साथ, ये कुछ भी बोल रहा है ना। इस टाइप का हक, उस टाइप का हक, I don't care किस टाइप का हक था वो। मैं तुम दोनों बहनों की नियत को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। एक्चुअली सृष्टि हुआ ये कि अक्षय तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुमने सोचा इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हारा दिल आ गया उस पे, तुमने जाके ये बात अपनी बहन से कही और तुम्हारी बहन ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्षय और कृतिका का रिश्ता तोड़वा देती हूँ और अपनी बहन की शादी अक्षय से करवा देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो एक्सपर्ट है ना झूठ बोलने में, धोखा देने में, रिश्ते तोड़वाने में, अरे इसने तो घूंघट के आर में करण से धोखे से शादी कर ली। तुम्हारी बहन ने सोचा कि चलो एक लड़की को पकड़ते उसे पैसे देते हैं, प्लान बनाया, पर अनफॉर्चुनेटली प्रीता अरोरा तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है, अक्षय वाकई अच्छा लड़का नहीं है, ना मेरी बहन के लिए, ना आपकी बेटी के लिए। वो एक काम करते हैं, सब लोग चले जाएं, फिर बैठ के बात करते हैं। करीना दी, करण प्रीता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टॉपिक चल रही है अक्षय और रुचिका की, आप इस टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हो। करीना दी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि
प्रीता और सृष्टि ऐसा कभी कर नहीं सकते, करने के बारे में सोच भी नहीं सकते करीना दी। भाभी मुझसे कुछ मत कहिए, अपनी फेवरेट बहू से कहिए। नहीं पुत्र, मुझे लगता है जो करीना कह रही है वो सही है। प्रीता ने अपनी बहन के लिए अक्षय और कृतिका का रिश्ता तोड़ना चाहा, मुझे ऐसा लगता है। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? राखी जी आप कुछ समझाइए ना इन्हें, आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो पता है ना कि प्रीता और सृष्टि कैसे, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आप तो कितने समय से उन्हें जानते हैं, आप सृष्टि को जानती हैं कि सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। आपको आपको सच में लगता है कि सृष्टि ऐसा कर सकती? सच कहूं, अगर मेरी बेटी इस घर की बहू नहीं होती ना, तो मैं इस लड़के की सच में अपनी बेटी पर जो उसने उंगली उठाई है ना, उसकी उंगली तोड़ देती। सृष्टि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे जो बोलना है बोलने दो, लेकिन आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। रोना बंद करो। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज बस कीजिए। मैं अपनी भाभी को भी जानती हूँ, मैं अक्षय जी को भी जानती हूँ, आप लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही है। कृतिका पुत्र खुद सृष्टि कह रही है उसने हक किया रास्ते पे, सुना नहीं तुमने? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी इतनी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? और आप मुझे ये बताइए, हमारे से रिश्ता आपका पहले से है ना, रिश्ता जुड़ा हुआ है, मेरी बेटी इस घर की बहू है, आप हम पर उंगली उठा रही है, मेरी बेटी पर, उसकी बहन पर, और ये लड़का अभी तक आपके रिश्ते में बना नहीं है, आप उस पर विश्वास कर रही है? इसने क्या कहा? वो गले मिली इससे, क्या गले मिलने से सिर्फ ये हो जाता है तय कि ये उसे शादी करना चाहती है? क्या कोई गले मिलता है तो उसका मतलब यही है कि वो उसे शादी करना चाहता है, उसे अपने अपने जाल में फंसाना चाहता है? आप लोग मुझे बोल दीजिए एक बात कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी कि मेरी सृष्टि ने ये किया। मैंने प्रीता को माफ कर दिया है, प्रीता मेरी बेटी जैसी है और बेटियों से गलती हो जाती है, होगी कोई गलत फहमी, पर अब सब ठीक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। प्रीता सब ठीक है ना? तुझे अक्षय से कोई शिकायत तो नहीं? तूने अच्छा नहीं किया प्रीता, लूथरा खानदान का मजाक उड़ा दिया तूने। अक्षय के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, कितना बड़ा दिल है उनका, माफ भी कर दिया तुझे, वेरी बैड। भाभी जो हुआ ना उसे प्लीज भूल जाइए। देखिए सबने आपको माफ कर दिया, आप भी इसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए ना, प्लीज मेरे लिए। कृतिका क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है भाभी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन भाभी अक्षय जी, भाभी आई लव हिम, उन पे विश्वास ना करो, ऐसे भी तो कोई वजह नहीं है ना। कृतिका सुनो, हम लोग चलते हैं, और तुम्हें तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ उनको खुद समझ में आ जाएगा, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। ठीक है, चलता हूं।
चलिए। अंदर चल। जान की आंटी, आप मम्मी का और सृष्टि का ख्याल रखिएगा, दोनों बहुत इमोशनल हो रही हैं। हाँ जी पता, जरूर ख्याल रखेंगे। करण, प्रीता का साथ हमेशा देना। हमेशा दूंगा, अगर प्रीता गलत नहीं है तो उसका साथ हमेशा दूंगा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। जीजू, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। Always. ख्याल रख। चल सृष्टि पुत्र। प्लीज, अक्षय इज अ गुड गाय, इज अ गुड मैन। कृतिका खुश रहेगी उसके साथ। प्रीता, आई नो तुम कृतिका को लेकर बहुत वरीड हो, लेकिन सब ठीक होगा, खुश रहेगी वो, ठीक है? अभी इस बारे में कोई बात नहीं। जानती हूँ कर, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। क्यों तुम मेरी बात नहीं मानती प्रीता? क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुमसे कोई ऐसे बात करता है। You have disappointed me today. करण, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ कृतिका की शादी एक बहुत ही बुरे इंसान से रोकना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई।